BGMI 2.8 का अपडेट आया और इसे अपडेट करने के बाद मुझे पता चला भाई हमें बहुत बुरा ठगा गया, बहुत बुरा वाला। बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैंने इसको अपडेट किया। अपडेट अगर तुम्हें शो नहीं हो रहा तो सीधा सा एक काम करना, प्ले स्टोर का डाटा क्लियर कैचे वगैरह मारना, खोलना तो अपडेट दिखने लगेगा, कब कर लेना। 303 MB का अपडेट है। सबसे पहली चीज़ कि जहाँ हमें धोखा मिला है भाई, ये मिथिक फ्रोज दिख रहे हैं तुम्हें, जो रेड कलर के क्रिस्टल हैं उसकी ये क्रेट है। और रेड कलर के क्रिस्टल से मिलेंगे आपको ये सारे सामान, मतलब एक ये जो ग्लेशियर सा आउटफिट है वो मिलेगा, ग्लेशियर सा हेलमेट और ये पुरानी सी एक ड्रेस। बट अगर आप 25 स्पिन कर लेते हो तो एक मिथ पड़ा वाला क्रिस्टल भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और फिर मटेरियल पैक में आपको ये मटेरियल के सबसे सस्ते पैक देखने को मिल जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, तुम विश्वास मानना, तुम्हें उसमें धोखा मिला है और ये गारंटी हमें ठगा गया है भाई साहब, बहुत बुरा वाला। फिलहाल जो अपडेट मैं दिखा रहा हूँ वो देख लो, मटेरियल पैक में जो भी दिख रहा है सब यही है, जो है वो सब यही है अपडेट में, और कुछ नया नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रेस है जो कि 9 टोकन की है। हाँ, इसके साथ एक ये इमोट मिलता है और दूसरी 10 टोकन की ये वाली ड्रेस है, इसके साथ भी एक इमोट मिलता है। उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जो हमें सबसे मस्त चीज़ देखने को मिली है, वो अगर मैं जाऊँ इवेंट में, ठीक है, ट्रेजर में, कि हमें ट्रेजर में भाई कुछ नया देखने को नहीं मिला, कुछ नहीं। मैंने कहा था एजी वाली अगर चीज़ आ जाती है ना जिससे हम एजी से चीज़ें खरीद सकते हैं, वो तलक नहीं दी भाई, वहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा भाई बिल्कुल बकवास अपडेट है, कुछ नया नहीं है। अगर तुम इस मोड पर जा रहे हो तो कह सकते हो भाई बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इवेंट में कुछ इवेंट्स हमें नए देखने को मिले हैं, जैसे कि ये जॉम्बी एडवेंचर वाला जिसमें अपने डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, और फिर ये बॉल कलेक्ट करने वाला जिसमें हमें ये वाली आउटफिट फ्री मिलने वाली है। अभी बढ़िया आउटफिट है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्या ही कहूँगा मैं, ठीक है। वैसे हार्दिक पांड्या की एक क्रेट भी ऐड की जाएगी अभी थोड़े दिनों में, तो जब आएगी तब आएगी। फिलहाल नीचे देखो 5-6 चीज़ें हैं वो कलेक्ट कर सकते हो तुम, जिसमें क्रेट है वो। और फिर जाते हैं हम अचीवमेंट में। अचीवमेंट वैसे 2 नए ऐड हुए हैं अचीवमेंट में, जाके अगर आप जाओ, और ये वाले अचीवमेंट कहाँ गए, सबसे ऊपर भाई। हाँ, तो ये जो सबसे ऊपर वाले 2 अचीवमेंट है ना, एक ये डेंजर जोन का, एक फिनिश ब्लो का है, ठीक है। डेंजर जोन वाला आसान है, वो हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा आपका, पर ये जो फिनिशिंग ब्लो वाला है ना, वो लास्ट वाले एनिमी को अपने जो ज़ॉम्बी गॉन्टलेट है उनसे मार देना, ये कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल काम है बट हो जाएगा, बॉट वगैरह मिला तो मार देना, ठीक है। उसके बाद उसको बात करते हैं कि और क्या देखने को मिला, ठीक, और कुछ नया नहीं मेरे ख्याल से। अब मिला है हमें धोखा, दिखाता हूँ कैसे, कि ये जो मिथिक फ्रोज वाले देखो क्रिस्टल हैं, मतलब ये तब बनते हैं जब आप 10 छोटे क्रिस्टल को इकट्ठा करोगे, तब ये एक कलेक्ट होके बन जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये हमें रॉयल पास में मिलनी थी, जैसे कि ये जो चीज़ है ना, कहाँ गया ये चीज़ें ना हमें रॉयल पास में मिलनी थी, जानते हो कैसे। अगर आप पबजी मोबाइल का रॉयल पास फॉलो कर रहे हो ना तो आपको पता होगा ये रेड कलर के क्रिस्टल हमें वहाँ कलेक्ट होते हैं, और BGMI में ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं है, पर इन्होंने सेम इवेंट डाल दिया इधर, मतलब हमें रुपये लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, वहाँ उन्हें फ्री मिल रहा था बट यहाँ हमें रुपया लगाना पड़ेगा। अब देख लो भाई, और रॉयल पास में भी कहाँ कलेक्ट होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है ना वहाँ ये क्रिस्टल्स कलेक्ट होते हैं, जो नीचे वाले साइड के एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ हमें ये क्रिस्टल कलेक्ट हो रहे थे पबजी मोबाइल में। BGMI में 2 रॉयल पास आ चुके हैं, कहीं नहीं है भाई, बुरा वाला ठगा है हमें। और अब आप बताओ ये अपडेट आपके लिए बढ़िया है कि मेरे लिए बढ़िया है, किसके लिए बढ़िया है।